नहीं, दिस इज अ लीगल इशू, और फिर जो जब बात करते हैं अदलिया की और अदलिया के डिसीजंस की बात करते हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है, अभी उन्होंने 6 ऑप्शंस रखी हैं और ये सजेस्ट किया है 2 लार्जर बेंच के एग्जामिन करें और इस पर ये डिसीजन होना चाहिए, और ठीक है लार्जर बेंच इसको एग्जामिन करता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो लीगली इश्यूज हैं उनको लीगली ही डिसाइड होना चाहिए और कोर्ट्स को किसी और इम्प्रेशन के तहत फैसले नहीं करती है, बल्कि लीगल इश्यूज पर फैसले। तो ये छठे ऑप्शन के बारे में आपका भी यही कहना है कि ये लीगल नहीं है? लेकिन ये बात है कि अब मैं समझता हूँ कि माफ, अभी अटॉर्नी जनरल से भी ये कहा गया कि वो अपने इंस्ट्रक्शन सीक करें और फिर अदालत में एड्रेस करें आके इस इशू को। अब ऑब्वियसली जो अटॉर्नी जनरल है जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो उसलिए अपने इंस्ट्रक्शन सीक करेंगे जो रेलेवेंट लोग हैं उनसे, और उस पर जरूर डेलीब्रेशन करके और वो इंस्ट्रक्शन जरूर दी जाएंगी अटॉर्नी जनरल को, ताकि वो उसके मुताबिक वो अपना केस अच्छा ठीक है लार्जर बेंच के सामने रख के सके। ठीक है, ये तो अभी पीपल्स पार्टी तो सोच और अमल के बीच में है एहसन साहब, लेकिन जो आसमा ने पॉइंट उठाया, ये पॉइंट बहुत सारे लोग आज उठा रहे हैं कि कोर्ट ने हमेशा सियासी फैसले किए हैं, और वो ये कहते हैं कि हुदैबिया पेपर वाला फैसला कभी नहीं हुआ, आईजीआई वाला कभी नहीं हुआ, वो जो फंडिंग वाला था। सो क्या वाकई कोर्ट के ऊपर जो इल्जामात हैं वो इल्जामात गलत हैं, या आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये सवाल उठ रहा है बार बार। ये जो तमाम केसेस का जिक्र किया जाता रहा है ये आज के नहीं है, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के जमाने में शुरू हुए थे, और उस वक्त की हुकूमत ने देखा कि इन केसेस में इतना मटेरियल नहीं है कि इनको प्रोसिक्यूशन की तरफ डाला जा सके, उन्होंने केसेस बनाए, लेकिन अदालतों से कुछ केसेस तो बरतरफ हो गए, ख़त्म हो गए उन्हीं के दौर में, और कुछ उन्होंने आगे नहीं बढ़ाए। मुशर्रफ साहब ने फिर उन्हीं केसेस को जिंदा किया और ये 10 साल तक असगर खान केस तो अभी तक है, ऑलरेडी है, वो क्यों नहीं लेती सुप्रीम कोर्ट में बात। 10 साल तक उनकी पीसीओ अदालतें रहीं, किसने रोका हुआ था? वो खून के प्यासे थे नवाज शरीफ साहब को नाहल करार देने के लिए, वो हर तरह से अरबों रुपया उन्होंने खर्च किए नैब के ऊपर कि किसी तरीके से उनकी हुकूमत को, उनकी लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई किया जा सके, किसने रोका हुआ था? 10 साल तो जनरल मुशर्रफ की अदालतें थीं, उन्हीं के पीसीओ जजेस थे, उन्हीं का हुक्म चलता था, उन्हीं का सिक्का चलता था। जावेद आशमी को चाह पकड़ के जेल में डाल दिया, किसी और को चाह जेल में डाल दिया, मेहताब अब्बासी को चाह जेल में डाल दिया, लिहाजा ये तमाम केसेस जो हैं उस स्क्रूटनी से निकल चुके हैं। और इसके बावजूद हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उसमें पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम माजी के केसेस को माफ कर दें, हमने कहा माफ नहीं करना, एक इंडिपेंडेंट एहतसाब का इदारा बनाएं जिसके सामने इन तमाम केसेस को पेश किया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। पिछले 3 साल से हम नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में एहतसाब के उस इदारे के बिल पर इसरार कर रहे हैं कि ये तमाम केसेस का इंडिपेंडेंटली स्क्रूटनी होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए कि इनके अंदर कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है। तो हम तो हमेशा लेकिन क्लीन चिट तो नहीं मिल सकती ना मालिक साहब, क्या हमने कभी किसी केस के अंदर माफी नहीं मांगी और हम तमाम केसेस के लिए हमेशा तैयार हैं। आज उन्होंने एक पेपर, मैं मालिक साहब से पूछती हूँ, आज भी रहमान मलिक ने एक पूरी डील दिखाई है लोगों को कि ये डील करके गए, उसको क्यों अदालत के अंदर, उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं होता, उस पर रोहिदात खान और मुबशर हसन क्यों? ये सवाल है मेरे। एक मिनट मेरी बात सुन ले, वो मुझसे आप पूछे ना जी जी, रहमान मलिक ने जितने कागज दिखाए हैं ये वही कागज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जनरल मुशर्रफ के वकीलों ने उस वक्त पेश किए थे जब नवाज शरीफ साहब ने वापस आने की पिटीशन की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उन कागजों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था क्योंकि उनकी कोई हैसियत कानूनी लीगल नहीं थी। देखिए नवाज शरीफ साहब किसी एनआरओ के साथ वतन वापस नहीं आए थे, तो फिर एहसन साहब तो ये भी कहते हैं कि वो तो ये भी कहते हैं कि सुहेल बड़ाई साहब की किताब में मियां साहब ने कहा कि ये गलत मैंने मुकदमात बनाए थे, वो तो ये भी कहते हैं। बात करते हो तो जवाब देने दो ना। शहबाज शरीफ साहब गालबन 2004 में उन्होंने भी हाईकोर्ट को कहा कि मैं वतन वापस आके केसेस का सामना करना चाहता हूँ, वापस आए उनको जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो हमेशा वापस आना चाहते थे। जनरल मुशर्रफ ने जबरी तौर पर उनको एग्जाइल में रखा कि वो सियासी तौर पे उनको सूट नहीं करता था, लिहाजा
उनकी वतन वापसी किसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो आए थे। और रहमान मलिक साहब ने जो कागज उठा के आज दिखाए हैं, ये पहले भी अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने उन्हें मुस्तरद कर दिया था। मैं नैयर साहब से जवाब ले लूं फटाफट, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का जवाब बनता है, फिर मैं मालिक साहब के पास आऊंगी। नैयर साहब, अगर आप लोगों को ये शुबा था कि ये डील हुई थी, तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? आज रहमान मलिक साहब कागज दिखा रहे हैं, तो उसका जवाब क्या है इस वक्त दिखाने का? देखिए, बात यह है कि जैसे ये एहसन इकबाल साहब जिस अंदाज से, जिस स्पीड से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अपनी पारसाई को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात यह है बुनियादी तौर पे कि जब इनके खिलाफ मुकदमा बने, जब इनकी कन्विक्शन हुई, और इस कन्विक्शन के बाद जब ये बैरून मुल्क गए, और सबसे बड़ा बैरियर उन्होंने ये लिया कि इनको सजा होगी या अपील में गए, अपील में इनको सजा होगी, 9 साल बाद ये अदालतों के पास आए और फिर कंडोन करवाया अपना इसको डिले को, ये कभी कहीं मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इनको कंडोन, इनकी जो डिले थी वो हुई और फिर उन्होंने एक बेनिफिट भी लिए। और जैसे एनआरओ की बात है, ये एनआरओ जब ये बैरून मुल्क गए थे 2000 में, उस वक्त भी एक एनआरओ के तहत ही गए थे और फिर जब वापस आए उसी के तहत, हम ये समझते हैं कि एनआरओ तो आपने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया उस एनआरओ को? आपको भी चैलेंज करना चाहिए था, अदालत के पास जाना चाहिए था कि ये गलत हुआ है। हम किसी और के ठीक, अच्छा ठीक जी, नहीं सब आपकी थोड़ी सी आवाज, आपकी ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक जी मैं ठीक बात है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे थे, जो मुझे समझ में आया है, इसलिए हम कोर्ट में नहीं गए। क्या इसी तरह से सियासी फैसले होते रहेंगे? क्या इसी तरह से मसलियत से काम लिया जाता रहेगा? और क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है? ये एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो डिसीजन आया है इसको किस किस नज़र से देखा जा सकता है। मालिक साहब, आप ये बताइएगा, एक तो वो बात हो रही थी कि आईजीआई के केसेस क्यों नहीं खोले जाते, और वो भी, और वो चेयरमैन नैब के पास हैं कि वो उनको खोलने की इजाज़त वो देंगे, हुकूमत कहेगी तो वो खोलेंगे। आईजीआई का जो फंडिंग वाला केस है अरशद खान का, वो तो कोर्ट में है। अच्छा, और आपको याद है जब लास्ट टाइम पूछा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पर थोड़े से बल्कि नाराज भी हो गए थे चीफ जस्टिस, और उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस नहीं है, मैं हूँ। मेरा ख्याल है बिल्कुल खुलना चाहिए, ताकि ये जो सा ये रिफ्लेक्शन है और ये इंप्रेशन है कि शायद बायस्ड हैं या ये कोर्ट फ्रेंडली है मियाँ साहब और एंड कंपनी की तरफ, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे आज भी जो फैसला हुआ कि आपको क्या लगता है कि ये क्या मतलब फ्रेंडली की जो अब की जा रही है कि कुछ लोगों ने शरीफ कोर्ट्स का है, जो कि नहीं कहना चाहिए बहरहाल, तो क्या आपको भी लगता है इंप्रेशन यही हुआ है? बिल्कुल कहना चाहिए जी। देखें, मेरा ख्याल है जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना, बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये कोर्ट्स का काम है कि अपने आप को बव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन अगर बेचारी क्या करे, कोर्ट तो ये कह रही है कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। कोर्ट बेचारी नहीं है, देखें कोर्ट बेचारी नहीं है, कोर्ट के पास हर एक चीज का एक मुदावा है, हर एक सलूशन है। अगर आप कोर्ट की बात नहीं मानते, कोर्ट को चाहिए आपको कंटेम्प्ट के अंदर निकाले और आपको जो मैक्सिमम भी पेनल्टी है अनाउंस कर दे। अगर कोर्ट 1 step forward 2 step backward जाएगी, तो फिर तो आप खुद एम्बिग्युटी क्रॉस करेंगे ना। अगर आपने एनआरओ के वर्डिक्ट की हम आज बात कर रहे हैं, इसमें कोर्ट ने ये रूल डाउन कर दिया, रूल ले डाउन कर दिया कि वायलेशन हुई, गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मान रही भी, आप उसके बाद उसकी रेमेडी है। अगर आप वो रेमेडी अनाउंस नहीं करेंगे, तो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? आप अनाउंस करें। आप ये तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बदयानत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करें। मुझे वो छठी जो शिक है ऑप्शन, मेरी समझ से बालक है। जो बाकी पांच है वो तो बड़ी जालिम किस्म की है ना, वो भी तो देखे, उसके अंदर भी है। देखिए, उसके अंदर भी ये है कि आपने, अगर तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन था, आई थिंक आसमा कैन एक्सप्लेन इट बेटर। अगर तो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन था, फिर तो मुझे समझ आती है, ठीक है। लेकिन जो मेरा ख्याल ये था कि ये 5 member फुल बेंच है जो अपनी जजमेंट देगा, उन्होंने जजमेंट नहीं दिया, उन्होंने एक शेफ्स मेन्यू बना के भेज दिया लार्जर बेंच को। अब आई होप कि लार्जर बेंच जो है वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा कि किसके सम्राट, वो फिक्स करेगा, वो बाय लॉ, स्ट्रिक्टली बाय लॉ डिसाइड करे आइदर और, ये दरमियान में लॉ नहीं होता। अच्छा आसमा, क्या वाकई ये कोई मेन्यू शेफ का मेन्यू पेश किया गया है, और ये जो मालिक सर का कहना है वो बिल्कुल आप उससे मतलब इख्तलाफ करेंगी या उससे इत्तफाक करेंगी, क्या कहेंगी आप इस सिलसिले में? मैं हमेशा मालिक साहब से आधा आधा इख्तलाफ करती हूँ और आधा आधा इत्तफाक करती हूँ। देखिए मालिक साहब, जब एक जजमेंट जो हो उसका सियासी रंग हो,
उसको लॉन्ग टर्म जस्टिफाई आपको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये मसाइल होते हैं। दूसरी, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ कि NRO तब भी था मौजूद जब पीपल्स पार्टी पावर में आई, और आपको याद होगा तब PMLN भी उनके साथ थी, तब तो NRO का कोई मसला नहीं छिड़ा था। उस वक़्त सब NRO पी पला के बैठे हुए थे, उस वक़्त कहते कि जी हम इस हुकूमत को नहीं मानते क्योंकि ये NRO के साथ आई है। दूसरी बात ये है कि NRO में सिर्फ स्विस केस नहीं है, मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रही हूँ, उसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं जिसका क्यों नहीं ऑल्सो उसका भी तो अजाला करे हुकूमत, जब वो वन साइडेड एक नज़र आने लगती चाहे ना हो, मगर जब ये परसेप्शन जैसे आपने खुद कहा हो जाता है, और ये परसेप्शन कब से बना हुआ है, और उस पर सोने पर सुहागा ये हो गया कि अब जब वो एक मेमो उसको कहते हैं उसका केस जो आया, तो वो भी अल्लाह के फजल से शरीफ साहब लाए, अल्लाह के फजल से वो हो भी गया। मतलब ये देखें इनको, परसेप्शंस को आप खुद रियलिटी में तब्दील कर रहे हैं, और ये एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल केस है। आप आज बार रूम के अंदर रेफरेंडम करा लें, किसी को भेज दीजिएगा एक सीक्रेट बैलेट करा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि वकील इस केस के बारे में क्या सोचते। सही सही। अच्छा, तो मेरी इल्तिजा ये है कि अदालतों को स्ट्रिक्टली, जैसे मालिक साहब ने कहा, बाय लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, और हमारी हुकूमतों को चाहिए कि वो जो भी अदालतें हैं उनकी इंडिपेंडेंस को माने, उनके जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करें, और हमारी सियासतदानों को चाहिए कि सियासत जो है वो पार्लियामेंट में रखें, वो अदालतों में ना। सही। अच्छा, ये एहसन साहब, ये जो आखिरी जुमला है आसमा का, ये बहुत क्रिटिकल जुमला है कि सियासत के अंदर अदालतों को ना लाएं, उनका सहारा ना बने, और ये PMLN पे इल्ज़ाम लगा है कि आप इदारों के पीछे छुप कर सियासत कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस इल्ज़ाम के बारे में, कैसे धोएंगे, और क्या वाकई सियासत का हिस्सा अदालत को बना दिया गया है? नहीं, देखें ये बात तो सब मानते हैं कि जमहूरियत के तीन पिलर्स हैं, उसमें एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है और पार्लियामेंट है, ये तीनों से एक निज़ाम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इन तीनों पिलर्स के ऊपर होता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को चलाने के लिए इन तीनों पिलर्स का एक दायरेकार है, जो पार्लियामेंट का काम है वो जुडिशरी नहीं कर सकती, और जो जुडिशरी का काम है वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती, और जो एग्जेक्टिव का काम है वो उसी ने करना है, वो बाकी दो इदारे नहीं कर सकते। लिहाजा जहाँ पर भी कोई ट्रेसपास करता है या किसी इदारे के दायरे इख्तियार को चैलेंज करेगा, तो यकीनन अब जो जुडिशियल मैटर्स हैं या जहाँ पे इंटरप्रिटेशन का मसला है वो आप जुडिशरी के पास ही लेकर जाएंगे, उसे पार्लियामेंट के अंदर नहीं घसीट सकते। मैं ये बात थोड़ी वाजे करूँगा कि जो कहा जाता है कि ये तरफा फैसले शायद हो रहे हैं या क्या बात है, देखिए अगर ट्रैफिक मोटरवे के ऊपर कोई ओवर स्पीडिंग करेगा और बार बार ओवर स्पीडिंग करेगा, अगर उसके तीन दफ़ा चलान कटेंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई स्पीड पे जा रहा है तो उसकी गाड़ी रोक के उसका भी चलान करो ताकि एक बैलेंसिंग एक्ट हो, ये ना लगे कि एक ही गाड़ी का बार बार चलान हो रहा है। अगर आप अपने रवैये जो हैं वो कानून को बार बार तोड़ रहे हैं या आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो आपके रूल ऑफ लॉ के दायरे में आती हैं और आप उसकी पकड़ में आते हैं, तो यकीनन आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। दोनों केसेस जो NRO हैं, मैं नहीं समझता कि कोई शख्स उसको डिफेंड कर सकता है कि वो सियासी केस था। आप किस तरह लिजिटिमाइज कर सकते हैं किसी की करप्शन को? फिर इसी तरह जो मेमो गेट है उसके अंदर रोजे रोशन की तरह ये बात वाजे है कि ये कहा गया है कि एक बैरूनी ताकत से कि आप हमें पॉलिटिकल सपोर्ट दें, हम इस मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी, इस मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे, न्यूक्लियर पॉलिसी सब आपके मतहत कर देंगे। इसमें रिगार्डलेस कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसके खिलाफ किसके जाता है, एज ए पाकिस्तानी वन फील्स कंसर्न कि ये, और उसमें हमने क्या कहा है, किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, हमने तो कहा है कि इस बात को आप जानें कि अगर ये मेमो एग्जिस्ट करता है ये किसने लिखा है, किसकी मोटिवेशन पे लिखा गया, तो इस पर तो कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि जनाब इसके ऊपर कोई सियासत कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि हम कोई इस पर सियासत कर रहे हैं, हमने किसी का नाम अच्छा, नहीं अच्छा, लिया। अच्छा, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं अब इस वक्त की, इन छह ऑप्शंस में से जो कि उनको एक मेन्यू लिस्ट दे दी गई है, इसके अंदर उनकी क्या चॉइस हो सकती है?